उन्होंने मुझे जब इस अंकिता फाउंडेशन के एक वन ऑफ द फंक्शन में इनवाइटेड किया था तो कैसे हो मेरे प्यारे भाई और उनकी बहनों, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट 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 इन योर लाइफ। तो भैया आ गए हैं हम एक नया वीडियो लेके, एपिसोड नंबर 3 लेके ऑफ स्टोरीज दैट आर चेंजिंग मिलियन लाइफ्स। तो अगर तुम ये सीरीज में नए हो तो मैं तुम बता दूं कि ये सीरीज में हम वो लोगों के बारे में बात करेंगे जिनसे मैं हर दिन कुछ सीखता हूँ, जिनसे मैं हर दिन इंस्पायर होता हूँ, और वो अपने लाइफ में बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं और उन्होंने अपने ड्रीम्स अचीव किए और बहुत कुछ बड़ा अचीव किया है। तो उनके स्टोरीज के बारे में जानेंगे इस सीरीज में। तो बिल्कुल देर नहीं करेंगे, सीधा शुरू करेंगे। सो हियर वी गो। बात करेंगे सुहास गोपीनाथ के बारे में। तो आज मैं जो भी बोलूंगा और मैं तुमसे जो भी शेयर करूंगा वो सीधा मेरे दिल से निकलेगा और बिल्कुल सच निकलेगा, क्योंकि इसका रीजन मैं तुम्हें लास्ट में बताऊंगा। और हां, लास्ट में कुछ की लाइफ नोट्स छोड़े, कुछ लाइफ के की नोट्स छोड़े हैं मैंने, तो बिल्कुल लास्ट तक देखना। और इनकी जो लाइफ जर्नी है सुहास गोपीनाथ की, वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज्यादा रिलेटेबल है। तो बिल्कुल देर नहीं करेंगे, सीधा चलते हैं उनके जर्नी पे। सुहास गोपीनाथ, अ बॉय हु वाज बोर्न ऑन 4th नवंबर 1986 इन बैंगलोर। हिज फादर वाज अ डिफेंस साइंटिस्ट एंड मदर वर अ हाउसवाइफ। ऐसा बच्चा जो स्कूल की एज में इंटरनेट सीखने के लिए साइबर कैफे में काम करने चले गया, वो भी घर में बिना। एक्चुअली इनके घर की फाइनेंशियल कंडीशन उतनी नहीं थी कि वो एक कंप्यूटर खरीद कर सुहास को दे सके, बट वो कहते हैं ना कि सीखने की चाह हो तो इंसान कैसे भी सीखता है। तो बस ये गए साइबर कैफे ओनर के पास और अपने लाइफ की फर्स्ट डील क्रैक की। डील ये थी कि साइबर कैफे ओनर वन सिर्फ 1 बजे से 4 बजे तक आफ्टरनून में अपनी शॉप जो है वो बंद रखता है। और सुहास ने उनसे ये डील की कि वो साइबर कैफे को वो 1 to 4 का जो टाइम है आफ्टरनून का वो उसमें रन करेंगे, एंड ही डोंट वांट कि वो उन्हें सैलरी दे। इन रिटर्न उन्हें बस वो 1 to 4 का जो आफ्टरनून का टाइम है उन वो उतने टाइम पीरियड में बस वो उन्हें फ्री इंटरनेट को यूज करने दे। अ बॉय इन अ स्कूल एज फेल इन लव विद द वर्ल्ड ऑफ इंटरनेट एंड ही रियलाइज दैट इट हैड अ पैशन अबाउट इट। And with the help of internet, he learned how to make websites. And after all, after so many efforts, he, as a freelancer, has started approaching clients for making websites. अब 1 से 4 वाला जो टाइम था वो अब सुहास के लिए बस एक फ्री एक्सेस टू इंटरनेट वाला टाइम नहीं था, अब वो एक सोर्स ऑफ इनकम बन गया था। And one day, that cyber cafe owner told Suhas to start his own company. And Suhas was just a 14-year-old kid. Started a company in America. Yes, guys, America. Because वो time India में minimum age कोई भी company को start करने के लिए वो just 18 years थी, and he is still just 14 years old. So somehow after so many efforts, he started his own company in America. But वो होता है ना कि जब भी तुम कुछ अलग करने जाते हो तो तुम्हें अपोजिशन मिलता ही मिलता है। सो द बिगेस्ट अपोजिशन टू सुहास वेयर इज ओन पेरेंट्स। और ये हर मिडिल क्लास बच्चा जानता है जो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करता है, जो अपना कुछ खुद क्रिएट करने की कोशिश करता है, उन्हें ऐसे कुछ पेरेंट्स होते भी है, बट बहुत मैक्सिमम जो मिडिल क्लास बच्चे होते हैं उनका बिगेस्ट अपोजिशन जो होता है वो उनके खुद के पेरेंट्स होते हैं, उनको पेरेंट्स को कन्विंस करना होता है। And he belongs to a family where entrepreneurship was considered as a sin, as an orthodox.
एंड द अनदर अपोजिशन वॉज टू गेट पीपल हु वर्क फॉर हिम एंड एज ही इज जस्ट अ 14 ईयर ओल्ड बॉय सो ही कॉल्ड हिज फ्रेंड्स टू स्टार्ट हिज कंपनी विद हिम बट वेन एवर ही कॉल हिज फ्रेंड्स देयर मदर ऑलवेज टोल्ड हिम ओनली वन लाइन दैट दे डोंट वॉन्ट टू मेक देयर चाइल्ड लाइक सुहास जो कि एक साइबर कैफे में काम करता हो दे वॉन्ट देयर चाइल्ड टू लर्न इन स्कूल वो चाहते थे कि उनके बच्चे पढ़े और वो सीधा बोल देते थे कि सुहास प्लीज डोंट कॉल देम बट सुहास को अपनी आई टी कंपनी स्टार्ट करनी थी भले कुछ भी हो जाए बिकॉज इट वॉज द स्टार्ट ऑफ टेक्नोलॉजी बूम इन इंडिया इन्वेस्टमेंट वॉज पोरिंग इन टू द ऑनलाइन बिजनेस एक जो चीज जो बहुत ज्यादा स्पेशल थी सुहास के बारे में वो ये थी कि वो हमेशा पॉजिटिव रहते थे अपने वर्क को लेके वो हमेशा एनर्जेटिक रहते थे अपने वर्क को लेके और हमेशा ऑनेस्ट रहते थे अपने वर्क को लेके सो somehow फाइनली ही स्टार्टेड हिज ओन कंपनी विद हिज फ्रेंड विनीत कुमार सुहास और विनीत ने सोच लिया था कि वो अब ये कंपनी को सीरियसली लेंगे बट ऐसे बहुत टाइम आए जब लाइफ ने उनको चैलेंजेस दिए सुहास के फैमिली प्रेशर के वजह से उन्हें 10th बोर्ड्स के टाइम कंपनी को बंद करना पड़ा एंड लाइक कुछ चैलेंजेस तो ऐसे भी आए कि उनकी बात कोई सुनता ही नहीं था एज दे वर जस्ट 14-15 ईयर्स ओल्ड किड्स और उस वजह से लोग उन पर बिलीव ही नहीं करते थे सो उन्होंने जस्ट बिकॉज कि वो बड़े लगे उन्होंने जुगाड़ लगाया उन्होंने नकली मूंछ लगाना शुरू किया यस दे स्टार्टेड यूजिंग फेक मुस्टैच और धीरे 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 जैसे जैसे उनका काम बढ़ता गया वो जैसे जैसे काम करते गए उनका बिजनेस बड़ा होता गया एंड व्हेन ही वाज इन सेकंड ईयर ऑफ हिज इंजीनियरिंग ही गॉट अ चांस टू रिप्रेजेंट इंडिया रिप्रेजेंट हिज ओन कंपनी इन डिवोर्स जहां उन्हें उनके आइडल से मिलने का मौका मिला यस गाइस बिल गेट्स और वो कहां मिले वो लोग सोच भी नहीं सकते हो वो लोग बाथरूम में मिले यार एंड वो भी जुगाड़ लगाया था अपने सुहास गेट्स को उन्होंने बताया कि वो अब ऐसी कंपनी रन करते हैं जो इंडिया की वन ऑफ द इन्फ्लुएंशियल कंपनी में से एक है तो पता है उन्हें बिल गेट्स क्या बोलते हैं बिल गेट्स उन्हें ये बोलते हैं कि वो अब डरेंगे सुहास से बिकॉज सुहास ने बहुत छोटे एज में ही स्टार्ट कर दिया एंड ही वॉज नेम एज द यंग ग्लोबल लीडर बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम And in 2010 and 2011, Globals doubles the revenue and Suhas became the youngest entrepreneur at the age of 17. And now Globals has 250 plus employees and they are working in more than 14 countries. And he also got many awards. Soch rahe ho, ek cyber cafe mein start ki hui ek company, aaj kya kya nahi kar rahi hai. कुछ बात बोलना चाहूंगा तो बात है 5 सितंबर 2019 की जब मैं और मेरे कुछ 4-5 दोस्तों ने हम लोगों ने कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया था और वहां पे एज अ गेस्ट बुलाया गया था सुहास गोपीनाथ को जहां पर उनका बहुत बढ़िया सेमिनार हुआ था और उन्होंने खुद की एक लाइफ जर्नी हम लोगों के साथ शेयर की थी कि वो कैसे आज तक यहाँ पहुंचे और आप सोचोगे भी नहीं उन्होंने ऐसे ऐसे चैलेंजेस देखे उन्होंने हमसे ये बात की थी कि उन्होंने जब वो कंपनी के बारे में काम कर रहे थे तो उन्होंने अपने विजिटिंग कार्ड के ऊपर वो प्लेसेस का नाम लिखा था जहाँ पर वो अपने ऑफिसेस खोलना चाहते हैं नाउ ही हैज कम्प्लीटेड दैट ड्रीम उन्होंने वो 14 कंट्रीज जो थी जहाँ जो उन्होंने नाम लिखा था वहाँ पे आज उनकी कंपनीज के ऑफिसेस अवेलेबल है तो यार देखो मैंने उस दिन ये बात सीखी उनका जब लाइफ एक्सपीरियंस जब देखा मैंने ये बात सीखी कि देखो तुम्हें अगर कुछ सही में तुम अगर कुछ करना चाहते हो ना तो तुम्हें बहाना बनाना छोड़ दो यार कि तुम्हारी एज छोटी है तुम्हारी एज बहुत ज्यादा बड़ी है तुम्हारे पास ये नहीं है तुम्हारे पास वो नहीं है देखो यार अगर तुम कुछ करना चाहते हो ना तो तुम्हें फिगर आउट तो करना पड़ेगा तुमको फिगर आउट करके ही तुम आगे बढ़ पाओगे ऐसे तो तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे एंड यस If you want to do something in your life, you have to just keep confidence on yourself. Just a confidence on yourself. Because no one else can make a difference for you and me. Unless and until you and me work for ourselves. Unless and until you and me, something in you and me changes. So yaar, this is all from my side for today. So, अगर ये वीडियो ने इतनी सी भी अगर वैल्यू तुम्हारे लाइफ में क्रिएट किया ना सो मेक श्योर यू हिट अ लाइक बटन
एंड यस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस अमेजिंग फैमिली वेयर वी आर फाइंडिंग सॉल्यूशंस एवरी सिंगल डे, वेयर आई एम शेयरिंग माय पर्सनल एक्सपीरियंसेस, वेयर आई एम शेयरिंग माय ओन रिसर्चेस विद यू पीपल. आगे बहुत ज्यादा कंटेंट आने वाला है. टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम बिकॉज आई एम शेयरिंग सम कूल एंड अमेजिंग कंटेंट. दे आर डूइंग लाइव सेशंस एवरी वीक विद एंटरप्रेन्योर्स एंड विद फ्रीलांसर्स एंड मेनी पीपल. सो यस, मिलते हैं 5 दिन बाद अगले न्यू वीडियो के साथ. तब तक बाय बाय, सायोनारा, सब्बा खैर, मिलते हैं.